to the class. Today we are ready with another important topic and that is appeal. Appeal कहाँ है? Appeal तीन जगह है. Constitution में भी है, CRPC में भी है और CPC में भी है. लेकिन आज हम पढ़ेंगे appeal in the perspective of CPC, Civil Procedure Code के perspective में के provisions हम appeal में पढ़ेंगे. Appeal lengthy है, इसीलिए एक वीडियो में कवर नहीं होगा. दो पार्ट्स इसके बनेंगे. आज आपको सब्सटेंटिव लॉ की बात होगी. ऐसे सबको हमको पता है कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ दोनों की बात होती है सीपीसी में. क्या सेक्शन है सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में हमारे पास ऑर्डर्स हैं. तो हम यहाँ सेक्शन की बात करेंगे कि सेक्शन क्या है अपील का सीपीसी में और क्या बताता है. देखिये अपील वर्ड का मतलब क्या होता है. अगर हम डिक्शनरी मीनिंग में जाएंगे तो सिंपल बता है जुडिशियल एग्जामिनेशन है ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इंफीरियर कोर्ट का सुपीरियर कोर्ट के द्वारा. यानी एक डिसीजन आया है कोर्ट में इंफीरियर कोर्ट में, अगर उससे पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है वो जाती है सुपीरियर कोर्ट के पास लेकर के उस डिसीजन को कि हम इसको रिवर्स कराना चाहते हैं या सेटिस्फाइड कराना चाहते हैं. उसको बोल दिया जाता है एप्लीकेशन को अपील. जैसे कि नागेंद्र नाथ डे वर्सेस सुरेश चंद्र डे 1932 का केस. यहाँ पे प्रीवी काउंसिल की तरफ से बोलते हुए सर दिनशाह मुल्ला ने बोला कि सीपीसी में कहीं पर भी अपील वर्ड डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन जब भी कोई एक पर्सन अग्रीव पार्टी बनकर के एप्लीकेशन लेकर के आता है या तो क्या इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन को सेटिसाइड कराने के लिए या उसको रिवर्स कराने के लिए, तो उसको बोल दिया जाता है क्या अपील. आई होप आई एम क्लियर, इफ नॉट तो मैं इसको दोबारा बोल देती हूँ. क्या बोल रहे हैं कि अपील क्या है. एक डिसीजन आया किसी भी कोर्ट में, क्या हम बोले डिक्री आया या फिर ऑर्डर आया, तो अगर एक पार्टी उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, कैसे नहीं है, या तो हो सकता है उसके अगेंस्ट गया डिसीजन या जितना उसे एक्सपेक्टेड था उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं मिला, उसे जितना पनिशमेंट चाहिए था दूसरी पार्टी के लिए वो उसको नहीं मिला, उसको लगता है ज्यादा पनिशमेंट चाहिए होना चाहिए था मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं अग्रीव्ड है. अग्रीव्ड का मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. तो व्हेन द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्ट द पर्सन इज कॉल्ड एज अग्रीव्ड पार्टी. तो अग्रीव्ड पार्टी कहां जाएगी, सुपीरियर कोर्ट के पास. ये एक क्या है, कैसा राइट है, ध्यान देना, ये कोई भी हम बोलेंगे इनहेरेंट राइट नहीं है. इनहेरेंट राइट है या हम बोले कि ये बोले कि एक पर्सन को हमने बोल दिया कि एक ऐसा अधिकार नहीं है कि हाँ उसको मिलना ही मिलना है. इट्स अ सब्सटेंटिव राइट एंड इट इज डिपेंडेड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट वेदर द कोर्ट अलाउज इट और नॉट. तो जब हम इसकी बात करें ना कि कोर्ट की मर्जी होती है अलाउ करे कि नहीं करे, तो हमको पता है सीपीसी में अपीलेबल ऑर्डर्स भी होते हैं और अपीलेबल डिक्रीज भी होते हैं. अगर उन प्रोविजंस में उनके सब्जेक्ट मैटर आता है हमारा या केस हमारा वहां चला है तो हम अपील लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हम अपील ही नहीं कर सकते, ये हमको पता है. तो नागेंद्रनाथ डे वर्सेस सुरेश चंद्र डे के केस में बोल दिया गया कि अपील कहीं डिफाइन नहीं सीपीसी में. और मैंने आपको बोला डिक्शनरी मीनिंग क्या है इसका. डिक्शनरी मीनिंग का जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट, कहां पे, बाय अ सुपीरियर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट. तो ये हमें पता है कि जुडिशियल एग्जामिनेशन को बोल दिया अपील. और अगर एक पर्सन अग्रीव पार्टी बनके एप्लीकेशन लेके जाता है या तो कोर्ट डिसीजन को सेटिसाइड करने के लिए या फिर रिवर्स कराने के लिए, तो उसको अपील बोल दिया जाता है. अब अपील के प्रोविजन सीपीसी में क्या कहां कवर है. देखिए मैंने बोला अपील के प्रोविजन तीन जगह पर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सीपीसी में भी है और सीआरपीसी में भी है. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 132 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हाईकोर्ट के केस जो आते हैं वहां से हाईकोर्ट की केसेस की अपील सुन सकती है, उसको वहां पर पावर दी गई है 132 में सुप्रीम कोर्ट को. 136 में भी पार है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि स्पेशल लीव पिटिशन की अपील होती है. जो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उस चीज को एंटरटेन करना चाहते हैं, मीन्स अपील को सुनना चाहते हैं कि नहीं, तो वो जो है ना सेक्शन सॉरी आर्टिकल 136 के जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो यहाँ अप्लाई होते हैं. मतलब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कोर्ट अपील को परमिशन देती है कि नहीं देती है. तो ये हो गया हमारे पास प्रोविजन ऑफ अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें दिए गए हैं चैप्टर नंबर 29 में सेक्शन 372 से लेके सेक्शन 394 तक. लेकिन अब सीआरपीसी की बात तो हमने कर ली, अब सीपीसी पढ़ लेते हैं. सीपीसी में कहां दिए गए हैं. देखिए सीपीसी में ना चैप्टर नंबर
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी अपील की, तो पार्ट नंबर 7 में दिए गए हैं जिसमें कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री की बात करते हैं। जो टाइटल है इसका पार्ट 7 का अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री है, उसके सेक्शन नंबर 96 में इसमें दिए गए हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री की। इसमें इस सेक्शन का टाइटल भी यही है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। तो इसकी बात करें, देखिए ओरिजिनल डिग्री की बात करते हैं और सेकेंड अपील की भी यहाँ पे बात होती है, कहाँ पर, सीपीसी में पार्ट 7 में। तो सेक्शन नंबर 96 से लेकर के और 99 तक है, सेक्शन नंबर 96 से लेकर 99 तक और सेक्शन नंबर 107, ये तो बात करते हैं ओरिजिनल डिग्री की, या बोल रहे हैं हम क्या फर्स्ट अपील की बात करते हैं। और इसी फर्स्ट अपील के जो प्रोसीजर है वो ऑर्डर नंबर 41 में दिए गए हैं। आज हम सेक्शन नंबर 96 को समझ लेते हैं कि सेक्शन नंबर 96 हमें बोलता क्या है। देखिए सेक्शन 96 बोलता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, इसमें सबसेक्शन 4 इंक्लूड किए गए हैं, चार सबसेक्शन इसके अंदर हैं, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन हम पहले इन केस में उसकी बात करते हैं। देखिए ये जो केस है हमारे पास, अनंत मिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1975 में, इस केस में क्या बताया गया, इस केस में ये बताया गया कि जो अपील का जो प्रोविजन आते हैं, ठीक है, जो अपील के प्रोविजन आते हैं वो कैसे आते हैं, स्टेचुरी राइट होती है, स्टेचुरी राइट होता है, यानी कि कोर्ट देती है कैसे, क्योंकि उसको लेजिस्लेचर ने दिया है। अब अगर लेजिस्लेचर कोई भी उस पर इम्पोजिशन इम्पोज करती है, यानी कि कोई भी उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है कि आपको ऐसे नहीं मिलेगा राइट, इस तरीके से मिलेगा, तो वो रेस्ट्रिक्शन लेजिस्लेचर लगा सकती है। लेकिन यहां पर दूसरी बात बोले, इस केस में ये कहा गया कि रेस्ट्रिक्शन तो लगा सकती है लेजिस्लेचर, लेकिन इस तरह से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने हैं जिसकी वजह से जो राइट आप दे रहे हो, यानी राइट ऑफ अपील आप दे रहे हो, तो वो राइट ऑफ अपील ही इल्यूजरी हो जाए। यानी इतने रेस्ट्रिक्शन उस पर इम्पोज कर दिए हैं कि वो लगने लग जाए कि एक्चुअल में राइट है ही नहीं, राइट दिया भी और राइट नहीं भी दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल रहे अनंत मिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में, जो कि 1975 में है। एक हमारे पास आता है कि जो राइट ऑफ अपील है कंटिन्यूशन है, कंटिन्यूशन का मतलब जो मैं ओरिजिनल हमारा केस था उसी की कंटिन्यूशन में है, यानी कि एक नया केस नहीं आया जब हम सुपीरियर कोर्ट में लेके गए थे, केस पुराने वाला ही चल रहा है, उसके जो भी हम डिसीजन से अग्री नहीं करते या हमें लगता है कि हम रिग्रीव्ड है, कुछ गलत हुआ है हमारे साथ, तो अगर ऐसा लगता है और पर्सन जो जाता है सुपीरियर कोर्ट में तो पहले वाले डिसीजन को लेके ही जा रहा है, तो जो कॉज होगा वो चेंज नहीं होगा, फर्दर उस चीज को एनालाइज किया जाएगा कि हाँ डिसीजन किन केसेस किन चीजों पे दिया गया, लेकिन जो उसका रूट कॉज है ना वो सेम ही रहेगा। ये बोला दयावती वर्सेस इंद्रजीत के केस में। तो ये हमारे केस नोज आ गए। अब हम वापस चले जाते हैं सेक्शन नंबर 96 में, जिसके मैंने बोला 4 सबसेक्शन है। देखिए पहला सबसेक्शन जो बोलता है ना 96 का, वो बोलता है कि अपील होती कब है, अपील कब होती है, जब एक केस में कोई डिग्री पास हुआ या ऑर्डर पास हुआ। हमने भी आपको स्टार्टिंग से यही बोला कि पर्सन सेटिस्फाई नहीं है कि मैं मुझे जो न्याय हुआ है वो एक्चुअल में हुआ है, या अगर उसको बोले कि ठीक है न्याय हो गया लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं क्योंकि उसको पनिशमेंट ज्यादा मिलना चाहिए था, मैंने भी बोला, तो दैट इज व्हाट, वो पर्सन अग्रीव्ड है और अग्रीव्ड होकर के वो दूसरी कोर्ट के पास जाता है, सुपीरियर कोर्ट के पास जाता है। ध्यान रखना जरूरी नहीं है वो कोर्ट हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो सकती है जो इंफीरियर कोर्ट से अबव है, यानी कि उसके सुपीरियर है, वहां जाके पर्सन अपील कर सकता है। तो जब पर्सन अपील कर रहा है तो उसको बोल दिया गया सबसेक्शन 1 में 96 के कवर किया। अब दूसरे सबसेक्शन जो आता है उसमें बात करते हैं एक्स पार्टे डिग्री की। एक्स पार्टे डिग्री क्या होती है, हमको पता है कि जब एक पर्सन नहीं आता कोर्ट में बार बार डिसीजन देने के बावजूद भी, तो उसको एक्स पार्टे कर दिया जाता है, बार बार समन देने के बाद भी, तो एक्स पार्टे कर दिया जाता है कि इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन हम इसको केस के फेवर में दे रहे हैं, जो कि पर्सन आ रहा है प्लेंटे के फेवर में दे रहे हैं। तो एक्स पार्टे डिसीजन अगर आता है तो उस केस में पार्टी के पास, जो कि कौन सी पार्टी है, डिफेंडेंट, उसके पास दो चीजें बचती हैं, या तो वो एक्स पार्टे की अपील कर ले या उसको क्या करे, सेट असाइड करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल ले। मैंने बोला दो उसके पास रेमेडीज हैं, सेट असाइड करने के लिए, एक्स पार्टे डिसीजन सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन डाल दे कोर्ट में, या फिर उसकी एक्स पार्टी की अपील कर दे। अब ये देखना, ये हेल्ड हुआ केस में हेल्ड भी हुआ, इसको बताया गया कि अगर एक पर्सन इन दोनों रेमेडीज में एक सेलेक्ट कर लेता है, सिर्फ वो बोलता है कि मैं अपील कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि जो दूसरा अधिकार है उसका, क्या था, सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन डालना, वो खत्म हो गया। यानी कि अगर एक स्टेट एक पर्टिकुलर डिसीजन में या एक पर्टिकुलर से बात में या केस में या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में एक पर्सन के पास दो रेमेडीज आती हैं,
तो वो उनमें से एक सिलेक्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता दूसरे वाली रेमेडीज को उसने वेव कर दिया या डिबार्ड या खराब कर दिया, खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यानी अगर एक पर्सन एक्स पार्टी की अपील लेके जाता है तो वो सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन भी डाल सकता है। तो सेकंड जो हमारे पास सेक्शन है 96 का, वो यही बोलता है कि एक्स पार्टी डिक्री की भी अपील कर सकता है पर्सन। तीसरा हमारे पास सबसेक्शन जो है वो कंसेंट डिक्री की बात करता है। अभी कंसेंट डिक्री क्या होता है, नाम से पता है कंसेंट, सहमति, अग्रीमेंट, यानी कि एक पर्सन अपनी मर्जी से या तो आपस में सहमति डाला दे, ठीक है वी आर अग्री ऑन दिस पॉइंट, आप इतना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो मैं इतना कॉम्प्रोमाइज कर देता हूँ, एंड वी कम टू ए कंक्लूजन, और कोर्ट का काम भी आसान हो जाता है एंड वी एक्सेप्ट द डिसीजन। तो ये हम सोच लेते हैं, तो व्हेन यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द डिसीजन यू कैन नॉट डिनाई आफ्टर दैट। आप नहीं बोल सकते कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यू हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन, दैट इज व्हाट सबसेक्शन 3 टेल्स अबाउट। कि आप नहीं बोल सकते बाद में कि मैं इस डिसीजन से अग्री नहीं करता, व्हेन यू ऑलरेडी have agreed upon the thing that yes we are going to accept the thing, तो आपको accept करना ही पड़ेगा, that is what consent decree और agreement में आपको कि हाँ agreement means यहाँ पे कोई लिखा पड़े नहीं है, this is what you have already agreed about the things कि हाँ मैं इस तरह से इस चीज को क्या कर रही हूँ accept कर लूंगा। तो that is what subsection 3 बोलता है 96 का। अब हमारे पास subsection 4 की बात आती है। before 1976 subsection 4 नहीं था, हर तरह के कोर्ट में आप अपील लेके जा सकते थे, if That is what covered under the appeal. तो आप लेके जा सकते थे, लेकिन 1776 के अमेंडमेंट के बाद एक पॉइंट ऐड हुआ कि अगर पेटी केस है, पेटी केस मींस स्मॉल कॉसेस जो कोर्ट्स होते हैं वहां पे अगर आप केस की बात करें उनसे डिसीजन आया, पेटी केसेस में अगर डिसीजन आता है तो उस केस को आप अपील के लिए नहीं ले जा सकते। बेसिकली अगर 10,000 रुपीज तक का केस है तो उसको आप फर्दर अपील के लिए नहीं लेके जा सकते। ये इसमें बोला गया कि ये प्रिस्ट्रिक्शन है, तो सेक्शन 96 सबसेक्शन 4 बोलता है। तो 96 में हमारे पास चार चीजें बताई गई, पहले में क्या होती है अपील, अपील का मतलब क्या हुआ, और दूसरी में बोला गया एक्स पार्टे डिसीजन, तीसरे में कंसेंट डिग्री, और चौथे में पैटी केसेस में अपील नहीं लेके जा सकते। दिस इज व्हाट अबाउट सेक्शन 96। अब हमें बताया कि अपील, फर्स्ट अपील भी हमने सुनी है जी, सेकेंड अपील भी सुनी है, व्हाट डज इट मीन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। फर्स्ट अपील की हम बात करते हैं तो फर्स्ट अपील का मतलब ओरिजिनल जो डिसीजन आया उसके अगेंस्ट हम चले गए डिसीजन लेकर के, सॉरी अपील लेकर के, लेकिन जो फर्स्ट अपील में डिसीजन आया उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में गए तो हमने बोला उसको सेकंड अपील। अब यहां सेकंड अपील से बात हो रही, पहली अपील के से भी हम क्या थे, डिससेटिस्फाई, इसलिए हम फर्दर अपील लेके गए, तो सेकंड अपील की बात हो गई। सेकंड अपील जो होती है हमेशा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, सेकंड अपील इज ऑलवेज फाइल्ड विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में सेकंड अपील नहीं जाती है। सेकंड पॉइंट जो हमें इंपॉर्टेंट है दैट हैव टू बी टेकन केयर इज व्हाट, जब हम फर्स्ट अपील की बात करते हैं दैट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इंक्लूडेड है, यानी जो फैक्ट के केसेस होंगे, केस रिलेटेड कुछ भी मैटर होगा उससे रिलेटेड हम अपील को लेके जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड अपील की, दैट विल बी कंसीडर्ड ओनली इन द कंडीशन व्हेन देयर इज क्वेश्चन ऑफ व्हाट, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करते हैं देन ओनली यू कैन गो फॉर द सेकंड अपील, अदरवाइज नोट। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, दैट इज व्हाट, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है दैट इज कवर्ड अप टू द मैटर ऑफ से 25,000, तो आप सेकंड अपील लेकर के नहीं जा सकते, अबव 25,000 ही सेकंड अपील जाएगी। यानी कि सब्जेक्ट मैटर कितना होना चाहिए, कम से कम 25,000 से ऊपर होना चाहिए। अगर 25,000 तक है तो फर्स्ट अपील में ऑलरेडी आप डिसाइड कर चुके हैं, फाइनल होगा डिसीजन, आप फर्दर अपील उसको नहीं कर सकते। 25,000 रुपीज अगर एड हो गया तो आप जा सकते हो हाईकोर्ट के पास। तो दैट इज व्हाट, उससे अबव है तो आप सेकंड अपील लेके जाइए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है लेके जाइए, और सिर्फ हाईकोर्ट के पास जाएंगे सेकंड अपील लेके, और कहीं पर भी नहीं लेकर जाएंगे। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है फिर अपील लेकर के, ये हमें बहुत ज्यादा कई बार नहीं पता होती कि अगर अपील लेके गए हैं तो अपील क्या क्या चीजें होती हैं, जो अपील लेकर के हम जब जाते हैं तो क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपील की हम बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपील में सबसे पहली बात होती है मेमोरेंडम ऑफ अपील जाना है साथ में। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि मेमोरेंडम ऑफ अपील होता क्या है। जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अपील मेमोरेंडम ऑफ अपील सेम है, बट आई एम सॉरी टू से दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, मेमोरेंडम ऑफ अपील इज व्हाट अबाउट द रीजंस और द फैक्ट्स ऑन विच यू आर गोइंग टू अपील, जिन फैक्ट्स जिन मुद्दों पे लेके आप अपील लेके आए हो वो बताओ क्या है, दैट इज व्हाट द मेमोरेंडम ऑफ अपील। और जो आप लेके आए एप्लीकेशन की, हाँ मैं डिससेटिस्फाइड हूं विद द डिसीजन, उसको बोल दिया क्या,
अपील, जो आप जजमेंट लेके आए कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, वो हुआ अपील, और जिन रीजंस पे आप सेटिस्फाई नहीं हो उन रीजन को बोला मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो मेमोरेंडम ऑफ अपील अपील के साथ में अटैच होगी, साइन होगा मेमोरेंडम ऑफ अपील, या तो एप्लीकेंट या बोले हम पेटिशनर के द्वारा या फिर उसके प्लीडर के द्वारा, और थर्ड चीज जो स्पेसिफिक कोर्ट है उनके पास जाएगी, या कोई ऑफिसर है तो उनके पास जाएगा वो मेमोरेंडम ऑफ अपील, और इंपॉर्टेंट चीज मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ में जजमेंट की कॉपी अटैच करनी जरूरी है। तो ये रिक्वायरमेंट्स है बिफोर फाइलिंग इन अपील। अब हम नेक्स्ट बात होती है लिमिटेशन की, देखिए सिविल प्रोसीजर कोड में अपील फाइल करने की लिमिटेशन कहीं नहीं बताई गई है, उसके लिए हमारे पास लिमिटेशन एक्ट 1963 है, जिसमें जनरली बोला गया कि हाईकोर्ट के पास अपील करने के लिए 90 डेज है, यानी आपके पास जो डिसीजन आया आप उससे अग्रीव है तो विद इन 90 डेज आपको अपील करनी होगी, इफ द केस इज टू बी फाइल विद द हाईकोर्ट, अपील इज टू फाइल विद द हाईकोर्ट। अगर दूसरी कोर्ट की बात करते हो विद इन 30 डेज आपको वो अपील लेके जानी होगी। तो दैट इज वॉट क्या बात करते हैं, ये लिमिटेशन ऑफ अपील की बात करते हैं, ये कुछ हमारे पास हैं चीजें। अच्छा एक और बात आती है कि अपील में जरूरी क्या होता है ना, जो फर्स्ट पॉइंट होता है सबसे पहले होता है कि डिसीजन आया, ठीक है, और डिसीजन से आई एम नॉट अग्री, मुझे पसंद नहीं आया, या बोलो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ठीक है। तो एक डिसीजन आया, जो डिसीजन आया एक पर्सन की अग्री आया तो वो पर्सन अगेंस्ट है कि मैं इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो अग्रीव पार्टी है। थर्ड चीज हमारे पास आती है कि एक रिव्यू बॉडी होनी चाहिए जो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि ठीक है हाँ वी आर गोइंग टू टेक केयर, वी आर गोइंग टू रिव्यू द डिसीजन कि क्या डिसीजन आया था। अच्छा हमें पता है रिव्यू रिवीजन और अपील तीनों चीजों में ना डिफरेंस होता है। रिव्यू रिवीजन ये मैं ऑलरेडी क्लासेस में कवर कर चुकी हूँ, अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अदरवाइज ऊपर भी आपको वीडियो के क्लिक हो जाएगा रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो रिव्यू रिवीजन और अपील में डिफरेंस होता है ये हमें पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है अगेन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें पता चल गया अपील का बेस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि 96 में बताया गया अपील क्या होती है, अपील कैसे होती है, और अपील कहाँ होती है, अपील कौन फाइल कर सकता है। जनरली जो केसेस के जो पार्टीज होती हैं वो अपील फाइल कर सकती हैं, लेकिन अगर पर्सन जो है एक जरूरी नहीं है हमेशा कि वो पर्सन अपील फाइल करेगा, कई बार ऐसे भी होता है कि जो एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करें तो वहां पे अपील कोई और पर्सन भी फाइल कर सकता है, यानी थर्ड पार्टी भी अपील फाइल कर सकती है। जैसे कि हमें पता है कई बार जो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं तो वहां पे थर्ड पार्टी भी लेके आ सकती है लिटिगेशन। तो दैट इज व्हाट अबाउट द ओरिजिनल डिग्री की हम बात कर रहे हैं, या फिर सेक्शन 96 की बात करते हैं। इसके प्रोसीजर मैंने बोला ऑर्डर 41 में है, तो प्रोसीजर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास क्लियर हो गई हो, तो अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, तो आप कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है आपको प्रीवियस वीडियोस के मिलेंगे, जो भी आप वीडियो देखना चाहें दैट इज अवेलेबल ओवर देयर। आई होप यू लाइक द क्लास, विद दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर लर्निंग, एंड यस कीप स्माइलिंग इट इंक्रीज योर फेस वैल्यू।